हाय दोस्तों, आज की मूवी का नाम है मिमी, जो हाल ही में रिलीज हुई है। तो आइए मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में दुबे नाम का आदमी जॉन नाम के आदमी को लड़कियों की फोटो व्हाट्सअप करने को कह रहा है, लेकिन जॉन कहता है कि वो राजस्थान जा रहे हैं और वो खुद से किसी लड़की का इंतजाम कर लेंगे। फिर हम जॉन और उसकी वाइफ समर को टैक्सी में देखते हैं और वो लड़कियों की बातें कर रहे हैं। जॉन और समर एक अमेरिकी कपल है और दुबे ने अब तक उन्हें जो भी लड़कियाँ दिखाई हैं वो फिजिकली वीक हैं। समर माँ नहीं बन सकती, इसलिए वो एक सरोगेट माँ की तलाश में राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। समर कहती है कि उन्हें यंग और हेल्दी लड़की चाहिए। भानु उनकी बातों को सुन रहा है और उसे लगता है कि जॉन को कांड करने के लिए लड़की चाहिए, लेकिन समर, जिसे काफी अच्छी हिंदी आती है क्योंकि वो 6 साल से दिल्ली में रह रही है, बताती है कि उसे अपने बच्चे के लिए माँ चाहिए। भानु को लगता है वो दाई माँ की बात कर रहे हैं। समर पूछती है व्हाट इज दाई माँ। भानु एक्सप्लेन करता है दाइमा मतलब वो औरत जो आपके बच्चे का बाहर ख्याल रखती है। समर कहती है नहीं, उसे वो लड़की चाहिए जो 9 महीने उसके बच्चे का अंदर ख्याल रखे। भानु पूछता है कहाँ अंदर। समर कहती है पेट में, बच्चा उनका होगा और पेट किसी और का। फिर वो भानु को सरोगेसी क्या चीज है वो एक्सप्लेन करती है। भानु कहता है कि वो और उसकी वाइफ भी काफी सालों से बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं और वो सरोगेसी वाला आइडिया ट्राई करेगा। समर बताती है कि सरोगेसी में काफी पैसे लगते हैं। भानु उस आइडिया को रहने देता है और वो पैसों के बदले उनके लिए लड़की ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसे 5 का इशारा करके कहते हैं कि वो उसे इतना ही दे सकते हैं। भानु उनसे 10 देने की बात कहता है, लेकिन जब वो सुनता है कि वो 5,000 नहीं बल्कि 5 लाख देने की बात कर रहे हैं तो वो कहता है कि इतने पैसों में तो मैं तुम्हें बच्चा पैदा करके दे दूं। वो उन्हें एक बुड्ढी के पास लेकर आता है जिसके ऑलरेडी 14 बच्चे हैं और वो काफी एक्सपीरियंस्ड होती है। समर क्लियर करती है कि उसे यंग और हेल्दी लड़की चाहिए। संयोग से वो एक डांसर मिमी को देखते हैं और उन्हें ये लगता है कि वो बच्चा पैदा करने के लिए एकदम सही सरोगेट माँ होगी। मिमी, जिसका सपना बॉलीवुड की रानी बनने का है, लेकिन उसको पता चलता है कि उसे अपने पोर्टफोलियो और वीडियो के लिए 10-20 लाख रुपए चाहिए। वो स्थानीय टैक्सी ड्राइवर भानु को मिमी को अपने सरोगेट माँ बनाने के लिए मनाते हैं और 2 मिलियन देने का वादा करते हैं। भानु मिमी के पास आता है और उन्हें अपनी टैक्सी से घर छोड़ने की बात करता है। वो अपनी टैक्सी में माँ और मेरी माँ सॉन्ग बजाकर माहौल बनाता है और कहता है माँ और बच्चे का रिश्ता इस दुनिया में सबसे पवित्र होता है। और उसका बस चले तो वो अपनी कोख में बच्चा पाल ले, मिमी कहती है, और पैदा क्या पीछे से करोगे। भानु मिमी को ड्रॉप करते वक्त उस अमेरिकी कपल की आकांक्षाएं बताता है और मिमी उसे थप्पड़ जड़ देती है। मिमी के घर वालों से पता चलता है कि वो मिमी के हीरोइन बनने के पागलपन की वजह से कितनी परेशान है। मिमी मंदिर में होती है और भानु वहां भी आ जाता है और फिर वो उसे बताता है कि बच्चा पैदा करने के लिए उसे जॉन के साथ सोना नहीं है बल्कि सरोगेसी के जरिए बच्चा पैदा होगा। फिर वो उसे सब कुछ डिटेल में समझाता है और जब उसे पता चलता है कि उसे इस काम के 20 लाख मिलेंगे, वो अपनी दोस्त सना से सब कुछ डिस्कस करती है और कहती है कि बहुत सी लड़कियां ऐसा कर रही हैं, लेकिन सना कहती है कि सब गोबर खा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी गोबर खाएं। लेकिन मिमी सना को मना लेती है। मिनी और सना समर और जॉन से मिलने आते हैं और जॉन को देखकर सना कहती है कि जॉन काफी हॉट है और इसके साथ तो वो सोकर भी बच्चा पैदा कर सकती है। समर उन दोनों की बातों पर हंसती है और कहती है कि जॉन किसी के साथ नहीं सोएगा, ये मेरा पति है। समर को हिंदी बोलता देख मिमी और सना झेप जाती है। फिर समर उन्हें क्लियर करती है कि मिमी की बॉडी बच्चा पैदा करने के लिए एकदम परफेक्ट है। मिमी अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है और उन्हें हाँ कह देती है, लेकिन अब मिमी को ये दिक्कत है कि अगर उसके पेरेंट्स ने उसके बढ़ते पेट को देख लिया तो वो क्या कहेगी। सना उसे अपने साथ अपने घर में रहने के लिए कहती है। वो क्लिनिक आती है और डॉक्टर से पूछती है कि उसके बाद उसका फिगर तो खराब नहीं हो जाएगा। पीछे से भानु कहता है नो, मिमी कहती है तू कर चुका है क्या। डॉक्टर जॉन से स्पर्म रूम जाकर मेहनत करने को कहती है। भानु जॉन से कहता है कि अगर जॉन को उसकी मदद चाहिए तो वो उसको बता दे। IVF की प्रक्रिया सफल होती है और मिमी प्रेग्नेंट हो जाती है। अपने पेरेंट्स से प्रेगनेंसी को छिपाने के लिए मिमी उनसे झूठ बोलती है और बताती है कि वो एक फिल्म की शूटिंग के लिए 9 महीने के लिए मुंबई जा रही है। वो फिर घर छोड़ देती है और अपनी सहेली शमा के साथ रहने चली जाती है। जॉन और समर को मिमी की देखभाल करने के लिए कहते हैं। भानु और मिमी सना के घर रहने आते हैं और मोहल्ले वाले सना से उन दोनों के बारे में पूछते हैं। भानु मुसलमान बनकर आता है और अपना नाम नसरुद्दीन बताता है और मिमी, जिसका नाम अब चांद है, वो उसको अपनी बीवी बताता है और वो टैक्सी चलाता है में जय श्री राम लिखा हुआ होता है। भानु कहता है कि उसकी कार सेकंड हैंड है। कुछ वीक्स के बाद नियमित चेकअप से पता चलता है कि मिमी के आजन में बच्चे को डाउन सिंड्रोम है। ये खबर जॉन और समर को दुखी कर देती है। वो भानु से कहते हैं कि अब वो ये बच्चा नहीं चाहते और वो मिमी को अबॉर्शन करवाने की सलाह देते हैं। वो अचानक अमेरिका के लिए रवाना हो जाते हैं। इस बारे में जानने पर मिमी निराश हो जाती है लेकिन अबॉर्शन के विचार को खारिज कर देती है और बच्चे को जन्म देने का फैसला करती है। मिमी घर लौटती है, वो प्रेग्नेंट है और झूठ बोलती है कि बच्चा भानु का है, लेकिन यहाँ आपको टिकटॉक वाला चंपू लड़का ये कहते हुए दिखेगा कि ये कैसे हो सकता है दीदी का पति, ये तो मुसलमान है और ऑलरेडी मैरिड है।
लेकिन भानु अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखा के कहता है कि वो हिंदू है। मिमी की दादी कहती है चलो छोड़ो, अब तुम दोनों इसका ध्यान रखो, तुम नाना नानी जो बनने वाले हो। वहाँ मिमी के लेबर पेन शुरू हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर बताती है कि वो फॉल्स पेन है। वो समर और जॉन के बारे में पूछती है। मिमी बताती है कि आपने बताया था कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए वो दोनों भाग गए। डॉक्टर से उसे पता चलता है कि ये फिरंगी लोग ऐसे ही होते हैं, कई बार वो बच्चा लेने से मना कर देते हैं और ज्यादातर लड़कियां बच्चा अबॉर्ट करवा देती हैं। फाइनली मिमी एक हेल्दी बच्चे को जन्म देती है और उसका नाम राज रखती है, और पता चलता है कि उसका बच्चा सही है और पहले जो टेस्ट हुआ था दरअसल वो गलत, और कभी कभी वो टेस्ट गलत हो जाते हैं। वहाँ इतना गोरा बच्चा देखकर सब सोचते हैं कि भानु ने इतना गोरा बच्चा कहाँ से पैदा कर दिया। पूरे शहर में बवाल मच जाता है, बच्चे की प्रदर्शनी लगती है, बस टिकट नहीं बिकते। माँ बनने के बाद मिमी की माँ बच्चे को दूध पिलाने को कहती है। भानु वहाँ से जाने लगता है। मिमी का पापा कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी तो लुगाई है, तुम देख सकते हो। भानु कहता है उसे एलर्जी है। वहाँ लोग भानु से गोरा बच्चा पैदा करने की टिप्स पूछ रहे हैं और वो उल जुलूल टिप्स बताने लगता है। वहाँ मिमी अपने बच्चे राज से जुड़ जाती है और खुद को उसके प्रति समर्पित कर देती है। शमा और भानु राज के जीवन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाते हैं। राज बड़ा होने लगता है और सबकी आंखों का तारा बन जाता है। वहाँ भानु की बीवी को पता चल जाता है कि भानु ने एक गोरे बच्चे को पैदा किया है, लेकिन उस बच्चे को देखकर वो कहती है कि इतना गोरा बच्चा किसका है। फाइनली मिमी बता देती है कि उसने एक नई टेक्निक के जरिए इस बच्चे को पैदा किया है। सब उस बच्चे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। 4 साल बाद जॉन और समर भारत आते हैं क्योंकि उन्होंने बच्चे के बारे में अपने विचार बदल दिए हैं और राज को वापस अमेरिका ले जाना चाहते हैं। मिमी समर से साफ कह देती है कि राज अब उसका बच्चा है, अब उसे वापस नहीं देगी। लेकिन जॉन कानूनी कार्रवाई करने की धमकी देता है क्योंकि मिमी ने सरोगेसी के लिए एक अनुबंध पर साइन किए थे और राज पर उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है क्योंकि उन्होंने मिमी को इन सब के लिए पैसे दिए हैं। भानु और मिमी के पेरेंट्स कोर्ट में लड़ने की तैयारी करते हैं, लेकिन मिमी को लगने लगता है कि राज उनके साथ ज्यादा खुश रहेगा और वो राज को जॉन और समर को वापस देने का फैसला करती है। जॉन और समर के अमेरिका वापस जाने के दिन मिमी भानु और परिवार राज को उनके साथ छोड़ने के लिए जॉन और समर से मिलते हैं, लेकिन जॉन को एक बच्चे के साथ देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं जिसे समर अपनी बेटी कहता है। तब पता चलता है कि मिमी के घर से वापस आते समय उन दोनों ने एक अनाथालय से एक लड़की तारा को गोद लेने का फैसला किया था। वो राज को मिमी के साथ छोड़ देते हैं ये मानते हुए कि वो हर मायने में उसका बेटा है। और ये मूवी इसी के साथ यहाँ पर समाप्त हो जाती है। आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आया हो तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय।